जी भाई देसी न्यूज़ साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी से। जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपका इस इंसान के बारे में क्या ख्याल है। मैंने एक पोजीशन सोची है जिसका जिसको मैं टाइटल देता हूँ, नॉन रेजिस्टिव नॉन बिलीवर। एक ऐसा नॉन बिलीवर जो रेजिस्ट नहीं कर रहा बिलीव को, लेकिन कन्विंस नहीं है बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, सारा कुछ उसने जो इतना भी देखा है। क्योंकि आपकी जो लास्ट टाइम एक जेंटलमैन से बात हुई थी तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मुझे डाउट हो रहा है किसी चीज में, तो अगर मुझे शक हो रहा है तो क्या होगा अगर मैं इस शक की हालत में मर गया। तो आपने उसे कहा था अगर शक की हालत में मर गए और तुम्हें पूरा यकीन नहीं है तो तुम काफिर वामी की जो भी है, तो इसलिए उसको वो जरा हो गया था कि मैं डाउट कर सकता हूँ। आपने जो कहा ना उससे मुझे थोड़ा सा हंसी आई कि जहन्नम का डर कहीं ना कहीं है, बोला नहीं जा रहा ना फंडामेंटल चीज है ना इस्लाम की, क्या कर जी 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 बट एनीवे तो मेरा फिर उसमें क्या मेरा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं आजकल एक दो और एकेडेमिक्स हैं उनको भी मैं सुन रहा हूँ और मुझे रियलाइज नहीं कर रहा था कि यूरोप में और जर्मनी में बहुत बड़े बड़े एकेडेमिक्स हैं जिन्होंने लाइक 30-30 साल इस्लाम स्टडी किया हुआ है। वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने फिक पढ़ा हुआ है, हदीसें पढ़ी हुई हैं, कुरान तशरी अरबी सारा कुछ किया हुआ है, एंड दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट लाइक एक्टिवली अगेंस्ट इस्लाम। वो एक स्टडी के तौर पे उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है इस्लाम एंड उसकी चीज है और स्टडी किया है पूरे तरीके से और बहुत उसमें PhDs की हुई है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरा क्वेश्चन में होगा कि क्या इस्लाम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है एक नॉन रेजिस्टिव नॉन बिलीवर, ऐसा बंदा जो रेजिस्ट नहीं कर रहा इस्लाम को कि भाई मैं जानबूझ के नहीं मानूंगा इसे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जितना उसको एविडेंस दिया जा रहा है उससे वो कन्विंस है। जैसे कि हम आपको इनका भी एग्जांपल दे दूं, अभी पाक पंजाबी आए थे, आई एम श्योर आप भी जानते होंगे उनका दिल गंदा नहीं है, उनका दिल खराब नहीं है, लेकिन जितनी एविडेंस उनको दिखाई जा रही है उससे वो कन्विंस नहीं हो रहे। अगर इस हालत में जिसके अंदर वो एक्टिवली रेजिस्ट नहीं कर रहे लेकिन इस हालत में अगर उनकी मौत आ गई तो वो काफिर कहलाएंगे, दोजकी होंगे। देखिए ये वाला सवाल इस पर मेरी गुफ्तगू डायरेक्ट हमारे जो स्केप्टिक एग्नोस्टिक भाई आए थे उनसे मेरी बराह रास्त भी गुफ्तगू हुई और इस मौजू पर उनसे स्ट्रीम में भी पब्लिकली गुफ्तगू हुई है। तो आई थिंक लेट्स कीप हिम असाइड, अभी उनकी बात हो भी चुकी है उनसे डायरेक्टली। आपका जो पॉइंट है वो ये है कि एक आदमी ऐसा है जो रेजिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन बिलीव भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि बिलीव नहीं कर, सॉरी जस्ट बिलीव की बात नहीं, कन्विंस नहीं हुआ हुआ इस्लाम से, बिलीव तो दूसरी चीज है, वो कन्विंस कन्विंस ना होने का क्या नतीजा, नतीजा क्या निकला कन्विंस ना होने का, बिलीव ना करना ना। हाँ लेकिन कन्विंस नहीं है ना, इस बिलीव एक चीज होती है मुझे यकीन आ गया, वो इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी, थोड़ा सा फर्क है इस चीज में। क्या अगर आप चाहो तो बिलीव कर सकते हो किसी चीज को बगैर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप चाहे एविडेंस ही की बुनियाद पर आप कन्विंस ना होकर ईमान ना लाए हो, ईमान कहते किसको है? देखिए सिंपल सी बात है, इस्लाम की बुनियाद जहन्नम नहीं है, इस्लाम की बुनियाद ईमान है। ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं किसी चीज को दिल से मान लेना, सिर्फ जान लेना नहीं, दिल से मान लेना। जानने के बाद मान लेना तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक आदमी मुकम्मल डिटेल भी इस्लाम की ना जानता और उसके बावजूद भी वो इस्लाम को हक मान लेता है तो उसका ईमान काबिले कबूल है, ये ईमान है। अब एक आदमी ये कह रहा है कि मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूं, जितने दलाइल मुझे दिए जा रहे हैं मैं उससे कन्विंस नहीं हो रहा हूं। क्यों कन्विंस नहीं हो रहे? उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं आप अपनी, चूंकि दुनिया सबसे ज्यादा जो शक आता है वो आता है जब आप मॉरल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, मोरालिटी के ऊपर बात करते हैं, तो जो मोरालिटी है वो आप कहीं ना कहीं किसी और जगह से ड्राइव कर रहे हैं, और वो जगह क्या है? वो आपकी वेस्टर्न थॉट्स है, आज के दौर में वेस्टर्न आइडियोलॉजी, आप उससे अपनी मोरालिटी ड्राइव कर रहे हैं। तमाम तर इनकंसिस्टेंसी के बावजूद आप वहां से अपनी मोरालिटी ड्राइव करते हैं और फिर आप उसकी बुनियाद पर ये फैसला करते हैं कि मुझे कन्विंस होना चाहिए इस्लाम के बारे में या नहीं। तो वो जब कन्विंस आप नहीं हुए तो आपने इस्लाम को और खुदा को माना कहां? जब आप नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यही कहा जाएगा कि ना मानने वाला, आपको मानने वाला तो नहीं कहा जा सकता, और ना मानने वाले को उर्दू में अरबी में काफिर कहते हैं। तो ये तो कंसिस्टेंसी है इस्लाम की। ठीक ठीक तो समझ गया आपकी बात। तो मेरा फिर इनके बारे में क्वेश्चन होगा कि कहते हैं कि हुज्जत साबित होना, अब जो ये लोग हैं जो PhD जिन्होंने की हुई है, 30-30 साल उन्होंने इस्लाम की स्टडीज की हुई है, बुक्स लिखी हुई है इस्लाम पे, तो आप ये नहीं कह सकते इन पे हुज्जत साबित नहीं हुई इस्लाम की, इन्होंने पूरी अपनी लाइफ लगाई है इस्लाम को स्टडी करने में,
तो अगर उस स्टडी करने के बाद सारी हदीसों के ऊपर पीएचडी करने के बाद सारे, फिर एंड में उनको वो कन्विंस नहीं हुए कि ये इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, अगर उस हालत में वो मर गए तो वो काफिर कहलाएंगे। और उनको अगर कुरान ये कह रहा होता कि आप स्टडी करके हर हाल में कन्विंस हो जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात थी, आप ये कह सकते थे कि यार एक आदमी ने 20 साल लगाए कन्विंस नहीं हुआ, तो अब ये है कि कम से कम उसको इतना कंसेशन देना चाहिए कि उसको जहन्नम में न भेजा जाए, क्योंकि वो कन्विंस नहीं हुआ, उसकी गलती नहीं है। कुरान तो कह रहा है कि यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जानते हैं जैसे अपनी औलाद को जानते हैं, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, तो क्या कुरान ने उनको कंसेशन दिया था? आप 20 साल नहीं, आप अपनी औलाद को उससे ज्यादा जानते हैं। नहीं नहीं, ये तो दावा है ना, एक दावा एक साइड पे, कन्विंस करना आप दावा, आपने मान लिया कि ये दावा सच्चा है कि वो अपने हुजूर को अपने, नहीं मैं दावे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उसूल की बात कर रहा हूँ कि कुरान ने जो उसूल दिया है वो ईमान के एक्सेप्ट होने का या अल्लाह के यहाँ एक्सेप्ट होने का, वो उसूल ये दिया है कि आप उसको तस्लीम करें। डजंट मैटर कि आप उसको तस्लीम कैसे करें, कि क्या आप कन्विंस होकर तस्लीम करें, या आपने सारे दलाइल को देख लिया कन्विंस हो गए आप तस्लीम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, या फिर आप इसलिए तस्लीम कर रहे हैं कि भाई मेरे नजदीक तो कुछ सब चीजें गलत ही लग रही है, यही सबसे सही लग रहा है, चलो मैं इसी को मान लेता हूं। पॉइंट यह है कि आपने खुदा के वजूद को तस्लीम किया और उसके कहे को तस्लीम किया, ये ईमान है। आप किसी भी तरीके से ईमान में आ जाए तो आप काबिल कबूल हैं, और अगर आप ईमान में नहीं आते तो काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के नजदीक। ये उसूल अल्लाह ताला का है और ये कुरान ने उसको बयान कर दिया, इसी को मैं कंसिस्टेंसी कह रहा हूं। अब आप ये देखें कि आप मिसाल दे रहे हैं कि जी यूरोप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20 साल लगाए, मैं कहता हूं 100 साल लगाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत नियत से इस्लाम का मुताला करते हैं, इसलिए मुताला करते हैं चूंकि उनकी लॉयल्टी क्रिश्चियनिटी की तरफ है या जूडिज्म की तरफ है या किसी और तरफ है, और इसलिए वो इस्लाम को मसलन चाहते हैं कि जी हम इस्लाम को एक्सपोज करें, तो चलो हम कुरान पढ़ते हैं उसके अंदर से गलतियां निकालते हैं। सुन लीजिए, रसूल अकरम सल्लम की हदीस है, एक मिनट, रसूल अकरम सल्लम की हदीस है कि कुरान के ताल्लुक से कि यदाउ बिही अक्वामन व यरफाउ बिही आखरीन, यरफाउ बिही अक्वामन व यदाउ बिही आखरीन, कि अल्लाह ताला इस कुरान करीम के जरिए ही कुछ लोगों को बुलंद करता है और कुछ लोगों को गिरा देता है। जिन लोगों की नीयत के अंदर खोट होता है वो इस्लाम को एक्सपोज करने की नीयत से कुरान करीम खोलते हैं, और बहुत से मुल्हिदीन ऐसे हैं जो आम मुसलमानों से ज्यादा कुरान करीम को समझते और जानते होंगे लेकिन कुरान करीम को ऊपर क्रिटिसाइज करने, चूंकि उनको पढ़ने का मकसद यही है, तो ये तो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज के दौर में खुलेआम हम देख रहे हैं। जी तो ये आपने स्ट्रॉमैन कर दिया ना, मैंने तो शुरू में ही आपको बोला था कि नॉन रेजिस्टिव नॉन बिलीवर, आपने पूरा मुद्दा चेंज करके बोल दिया, वो लोग जो जानबूझ के कुरान पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने मुद्दा चेंज नहीं किया, मैंने एक मिसाल दी है, मैंने एक मिसाल दी है, चले ठीक, मैंने उन लोगों की मिसाल दी है जो 20-25 साल पढ़ते हैं, ठीक है जी, मैं कंप्लीट कर दूं। आपने बोला वो लोग जो 20 साल पढ़ते हैं इसलिए कि वो इस्लाम को झूठा साबित करें, तो आपने वो क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया, मैंने क्राइटेरिया शुरू में रखा था, मैंने पॉइंट ये दिया कि वो इसलिए भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, इसलिए भी पढ़ते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मेरा क्वेश्चन ही खास तौर पे मैंने शुरू में कह दिया नॉन रेजिस्टिव नॉन बिलीवर, जो जानबूझ के इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए स्टडी नहीं कर रहे, जो क्राइटेरिया आपने डाला, जो मुल्हिद इस्लाम को तबाह करने के लिए कुरान पढ़ते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो शख्स जो आपके नजदीक कोई ऐसी मिसाल है कि जिसने 20-25 साल इस्लाम पढ़ा हो और मुकम्मल न्यूट्रल पढ़ा हो और उसका मकसद कोई यानी कोई इविल इंटेंशन ना हो? जी बिल्कुल, मैं आपको जितने दो तीन स्कॉलर्स के मैं पिछले अभी मैं लेक्चर सुन रहा था, दे आर उनकी बुक्स एक्चुअली इस्लामिक स्कॉलर्स यूज करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी इस्लाम के बारे में और न्यूट्रल तरीके से, भाई एक मिनट, किसी की न्यूट्रलिटी आप कैसे साबित करेंगे? हाउ डू यू नो? ये तो एकेडमिक वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, वो उस तरह नहीं कह रहा, आप उनके अपने जो भाई आपको मालूम है कि एकेडमिया में इस वक्त जब आप कोई काम करते हैं तो आप गालियां नहीं देते, एकेडमिया के अंदर बात जैसी है बस वैसी लिखी जाती है, उसमें गालियां नहीं लिखी जाती, वरना आप फौरन अपना केस लूज कर देंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि उनके जो पीयर हैं जो मुसलमान हैं जो उन्हीं के साथ स्टडी करते हैं वो वाउच कर रहे हैं कि ये ऑथेंटिक बंदा है, ये एकेडमिक है, और ये ऑथेंटिक इन व्हाट सेंस? और इन सेंस के वो इस्लाम को इस तरह स्टडी करें न्यूट्रल तरीके से, उसके ऊपर जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है। एग्जैक्टली, ये जो न्यूट्रलिटी है ना ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आपको लग रही है न्यूट्रलिटी, मुझे लग रही है कि न्यूट्रलिटी नहीं है। क्या न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव चीज है? न्यूट्रलिटी उनके पीयर से ही बताया जाएगा ना, जो उनके जो मुसलमान पीयर्स हैं, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? देखिए, वो जो मुसलमान पीयर्स जो किसी की न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं किसी गैर मुस्लिम की, वो एकेडमिक लेवल के ऊपर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि भाई इस आदमी ने जैसा समझा वैसा पेश कर दिया, उसने अपनी एकेडमिक रिसर्च पेपर में गालियां नहीं दी, और जाहिर है कि एकेडमिया में आप ये कर ही नहीं सकते, वरना फिर आपकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है।
मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रलिटी के, कि आप दीन को इसलिए समझ रहे हैं कि मुझे दीन को कबूल करना है या नहीं करना, आप एज ए प्रोफेशन अपनी बात को पेश कर रहे हैं उसमें आप न्यूट्रल हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि आप दीन, मुझे दीन कौन सा कबूल करना है, मैं 20 साल पढ़ता हूँ और मैं न्यूट्रल होकर पढ़ता हूँ, मुझे वो मिसाल दीजिए आप, वो कहाँ है. चले ठीक है, मैं मुझे लगता है टू डिफरेंट चीज के बारे में बात करें, क्योंकि मेरा इनिशियल था कि इस्लाम में कोई ऐसी कैटेगरी है इंसानों की जो नॉन रेजिस्टिव नॉन बिलीवर हो, वो कैटेगरी सामने लाएं तो इंशाल्लाह हम भी फिर गौर करेंगे. वो हमारे सामने न्यूट्रलिटी जो है, न्यूट्रलिटी इस एतबार से कि एक आदमी हक का मुतलाशी हो 20 साल तक के, वो एक चीज पढ़ता रहे 20 साल तक पढ़े, ठीक है, और फिर वो हक तक ना पहुंचे, कम से कम हमारे नजदीक ऐसी मिसाल नहीं है. आपके सामने कोई मिसालों में नहीं, इसीलिए पूछा कि पेश तो करें भाई. तो आपका बेसिकली ये वो वाला सिचुएशन है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई इस्लाम पढ़े और वो मुसलमान ना हो. मैं कह रहा हूँ देखें, इम्कान अकली के तौर पर तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ये है कि आप वो मिसाल पेश करें तो फिर हम बात करें ना. ठीक है, और अगर वो मिसाल आपको पेश करेंगे आप बोलेंगे ये तो सब्जेक्टिव है, और फिर मिसाल पेश करेंगे वो आप न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव साबित कर दीजिए, आप न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव साबित कर दीजिए ना, इसके इंटेंशंस कुछ और थे, आप न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव साबित कर देना तो तभी तो बात होगी ना भाई. हर चीज के कुछ ना कुछ उसूल जाब्ते होते हैं. आप एकेडेमिया की न्यूट्रलिटी को हक की तलाश की न्यूट्रलिटी बनाकर पेश कर रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं. चले ठीक है, मैं मेरा फिर आपने आंसर दे दिया कि भाई इस्लाम की नजर में there is no such thing as a non-resistive non-believer. Whatever you derive from this conversation, वो इट्स अप टू यू. लेकिन मुझे नहीं, मैं आपके इस जो आपने नैरेटिव दिया उसकी मिसाल पूछ रहा हूँ, वो आपके पास नहीं है. जिन जिन लोगों के आप पता नहीं किन लोगों की बात करें, उनकी न्यूट्रलिटी आप साबित नहीं कर सकते. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. थैंक यू.